on taking charge as the new External Affairs Minister, Sushma said top of her agenda was improving relations with neighbouring countries and further strengthening ties with strategic partners around the world. As the first woman to hold this portfolio, Sushma Swaraj takes over at a time when India's growing international influence gives it a prominent voice in global affairs, and the world will be watching to see possible changes in India's foreign policy. मेरी प्राथमिकताएं पूरे विश्व में भारत की ताकत को यानी जो स्ट्रेंथ से हमारी ताकत का मतलब मैं फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं कह रही जो स्ट्रेंथ से हमारी उनको रखना और पूरे विश्व के देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे करना और इसमें सबसे पहले आते हैं पड़ोसी देश जिनसे शुरुआत कल हो चुकी है उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो जिनके साथ हम लोगों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड जो इमीडिएट नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूर होकर के भी हैं हमारे पड़ोसी देश ही उसके बाद आता है अफ्रीका उसके बाद आता है आसियान उसके बाद आता है लैटिन अमेरिका यूरोप हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ये सारे जितने देश हैं इन देशों के साथ हम लोगों का संबंध अच्छा हो ये सुषमा स्वराज की भारतीय सरकार की तरफ से प्राथमिकता होगी On Pakistan, Sushma said ties with the neighbors were dependent on steps taken by Pakistan to curb terrorism. हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज़ में बात की आवाज़ रुक जाती है सुनाई नहीं पड़ती इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा इसलिए बम धमाके बंद हों और हम बात करें तो आवाज़ दोनों को सुनाई देगी लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज़ दब जाएगी और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कही। Powered by NNIS.